जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। क्या दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल जीवन संसार में। दोस्तों, उल्टी आना या फिर जी मचलने की प्रॉब्लम काफी कॉमन सी देखा होगा। खासकर इसका जो रीजन होता है वो अगर आपने किसी तरीके का खाना खाया या फिर भूख से ज्यादा खाना खा लिया और वो सही तरीके से पचा नहीं, तो इसका एक प्रमुख कारणों में से एक हो जाता है कि उल्टी आना है, जी मचलने की प्रॉब्लम लगती है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग, किसी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपने कुछ खाया और उसके फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको ये प्रॉब्लम दिखती। इसके अलावा काफ़ी लोग हैं जो किसी तरीके की ट्रैवलिंग करते हैं या सफ़र करते हैं, तो उनका जी मचलना या घबराहट की शिकायत होती है। और साथ में किसी तरीके की आपको बीमारी में या मेडिसिन में भी आपको साइड इफेक्ट के रूप में ये प्रॉब्लम दिख सकती है। साथ में कभी कभी जैसे प्रेगनेंसी, तो उस सिचुएशन में भी फीमेल्स को इस टाइप की प्रॉब्लम का अनुभव होता है। उसके अलावा पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने में आएगी जी मचलना या उल्टी होने की। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन लाएँ या फिर नुस्खा लाएँ, आप इसको ट्राई कीजिए। पूरी तरीके से घरेलू और हर्बल है, आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो ये आपकी उल्टी आने की समस्या भले वो बहुत ज़्यादा गंभीर भी है तो भी आपको काफ़ी लाभदायक देगी और आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर देगी कुछ ही वक्त आप अगर इसका यूज़ करेंगे। तो बात करते हैं इस नुस्खे के बारे में। दोस्तों बात करते हैं इस नुस्खे के बारे में जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको उल्टी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, आपको एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसमें आपको अदरक का रस लेना है। देखिए अदरक का रस मैंने निकाल कर रखा, आप एक चम्मच अदरक का रस लीजिए और इसको इसमें मिला लीजिए इस तरीके से। साथ में इसके अंदर आप एक चम्मच पुदीने का, सूखे पुदीने का पाउडर डालिए या फिर आप इस तरीके से जो पत्तियां रहती पीसी हुई आप उसको इस तरीके से डालिए। एक चम्मच के आसपास आप इस तरीके से इसमें मिला लीजिए। और साथ में आपको जीरा पाउडर चाहिए दोस्तों। ये देखिए जीरे का पाउडर, आप जीरे का पाउडर लीजिए और हल्का से छोटी सी चम्मच, आधी छोटी चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर डाल दीजिए। तो ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा और उल्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दोस्तों अब आप इसको पूरा मिला के अच्छे से पी जाइए तो आपकी अगर उल्टी की प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे या तो आपको तुरंत राहत मिलेगी या फिर अगर आपकी बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जो रेगुलरली आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको दो तीन बार ट्राई कीजिए तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व करेगा। साथ में आपके पाचन प्रक्रिया को भी काफ़ी इंप्रूव कर देगा ये, ताकि आपको अगर डाइजेशन, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, अपच की प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको नुस्खा कैसा लगा। और इस तरीके की दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।